मरने के बाद मतलब घर जब हम निकले पहले तो चाबी नहीं मिलती इनकी, इसके बाद शॉपिंग करने जा रहे हैं साथ में। ये है, आप ही बता दो आपका क्या नाम है, तो बहुत नाम रखता हूँ। विशाखा, रेडिकल विशाखा। नो अंजलि। या क्या चाहिए, दुनिया चाहिए क्या? कोई शक मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? फाइनली हम जा रहे हैं आज शॉपिंग के लिए। आज इस लड़के को चमकता दमकते के ऊपर हम कुछ वस्त्र, अंग वस्त्र लेंगे। अंग वस्त्र, रंगीला रंगीला कुछ। करण अर्जुन तो ज्यादा नहीं करते। हाय भाई। अरे कैसे? मैं ठीक हूँ भाई, तुम गाड़ी ठुकवा देते अभी। मोहब्बत के चक्कर में गाड़ी ना ठुक जाती। चलो अच्छा, कुछ हुआ नहीं, अच्छे से मिल लिए, ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है, तेको भी लगता है कैसे? बिल्कुल भाई, ऐसे मैंने तभी तो बोला साइड में लगा गाड़ी। हाँ। फिर मिलते हैं। एक तो अंकल आंटी को लेके घूम रहे हो आप, मम्मी पापा के साथ हो तो बिल्कुल साइड में लगाइए। ऐसा हमारे को मोहब्बत पसंद है, पर थोड़ा सा कंट्रोल होता है, कंट्रोल। चलो भाई, नाम भी नहीं पूछा। थैंक यू सो मच भाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो। अपन एक ही एरिया में रहते हैं, मिलते रहेंगे। So ladies and gentlemen, boys and girls, V3, okay, tripling. हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और आज जाके फाइनली हमारा आइटिनरी फिक्स हुआ है। जो ट्रिप की बात 2000 करोड़ सालों से कर रहा था, वो ट्रिप आज मैं रिवील करता हूँ कि वी, मी, सत्या एंड विशाखा, हम लोग जा रहे हैं लद्दाख। और इस ट्रिप का हम लोगों ने एक हैशटैग बनाया है, वो है #TriplingLadakh। ओके, सो क्या चीज़ कुछ बोल रहा हूँ क्या मैं? हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अभी आए हैं एट्रिया मॉल और यहाँ से एट्रिया मॉल डीकैथलॉन। तो अभी पार्किंग के लिए लड़ाई चल रही है मुंबई में, ये बहुत परेशानी होती है पार्किंग के लिए। वैसे पार्किंग मिल जाएगी, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। और वैसे आपको बता देता हूँ कि आज से रूल चेंज हो गए हैं पार्किंग के। अगर आप नो पार्किंग में लगाते हो तो गाड़ी का कुछ 15,000 रुपये चलान हो गया, तो आप नो पार्किंग। हाँ, ये कब हुआ? आज ही हुआ ना। और बाइक का कुछ 5,000 रुपये हो गया है, तो इसलिए आप नो पार्किंग में मत खड़ा कीजिए। 15,000 कार का, 5,000 बाइक का। तो इसलिए टाइटल भी रख सकते हो आप। टाइटल है, वेल थिंक अबाउट इट। ओके, थैंक यू। ओके, ये जब से सत्या ने बोला है कि 15,000 नो पार्किंग की जगह पे पार्क करने पे फाइन लगता है, तब से दिल घबरा गया है। इसीलिए यहाँ पर पार्किंग के लिए हमें आधा घंटे लगे, लेकिन दिल को कोई गम नहीं है। 15,000 कौन पे करेगा? अभी हम लोग हैं डीकैथलॉन में, और डीकैथलॉन के बाद हम लोग का प्लान था H&M जाने का। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खरीदने को बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर पहले तो पूरा डीकैथलॉन छान मारेंगे, आगे पीछे यहाँ वहाँ हर जगह देख लेंगे कि क्या क्या चीज ले सकते हैं, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। H&M जाना है, मैं H&M जाने के लिए आई। 25 जगह देख के दोनों मर क्यों नहीं जाते हो? ऐसा मरने की बात, और इसको मरने की बात मतलब घर जब हम निकले पहले तो चाबी नहीं मिलती इनकी, उसके बाद ये कह रहे हैं पहले डीकैथलॉन में सिर्फ जल्दी से सामान ले लेंगे, फिर H&M चलेंगे। मजाक था। अब हम थोड़ा बाहर, क्रिकेट नहीं है। ये एक टप्पा था, कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में ऐसे छोटी चीजें होती रहती है, हर के चीज़ों को बाजीगर है, बाजीगर। अरे ये किधर जा रहा है ये? सीट से बोल। ओके, तो ये मेरा फेवरेट शॉट है। अच्छा, ऐसे सामने ग्लास दिखता ना, उसके सामने बात करने का अलग मजा आता है। फेवरेट शॉट, दिस इज माय फेवरेट शॉट। पूरा डीकैथलॉन छान मार के हो गया। अब मैंने कुछ चीजें जो लिस्ट डाउन करके रखी है वो सारी चीज लेंगे, और मुझे लगता है थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा आज भी, क्योंकि मैं जल्दी शॉपिंग के लिए बाहर निकलता नहीं, लेकिन जब निकल जाता हूँ फिनिश। ये बकेट लिया गया, शॉपिंग बकेट, इसमें हम लोग जो जो सामान शॉपिंग करके रखने वाले वो रखते हैं। मैडम तो वो दर्द कर रही है भाई। क्या कर रहा है? दर्द, शोल्डर। तो ऐसे काम करते ही क्यों जो दर्द करे? पंगे ले लिए, तो ले लिए। बोला था गाड़ी में रख दो। शुरुआत में
घुसे थे ना तो ऐसे देख के लग रहा था कि इतनी सारी चीज़ें हैं शॉपिंग करने के लिए, बट जो जो पसंद आ रही थी अवेलेबल नहीं था। देखो वापस जाना पड़ेगा शायद। हाँ मुझे जाना है। इसको नहीं मिला, इसका कलर का शूज़ नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, H&M नहीं गए, ये अलग परेशान है। मज़ा नहीं आया आज, मतलब ओह थैंक यू। जो जो चीज़ मैंने सोचा था कि चाहिए कभी नहीं बोल रहा मेरे को, बाद में बात करता हूँ। मैं ना बहुत इरीटेड हो गया हूँ। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर वर्ली सी फेस में बैठे हैं, मैंने इसको बोला कि हम लोग मरीन ड्राइव आए, इसको झूठ बोला मैंने, इसको पता भी नहीं चला बिकॉज ये मरीन ड्राइव की तरह दिखता है, लेकिन मैं बहुत इरीटेड हो गया हूँ यार। हाँ यार वो घर से निकले, एक तो ये लेट आया वहाँ, इसमें कोई गुस्सा नहीं है मेरे को अपने आप पे गुस्सा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने सोचा था बहुत सारी सामान आज खरीदने का, हाँ। देखो प्रॉपर यूटिलाइज करने का, पर वो उतना यूटिलाइज हुआ नहीं, और वैसे भी हमारे पास टाइम रह गया कम। हाँ कम टाइम में अपने को बहुत सारी चीज़ें करनी है, और मतलब व्लॉग्स का प्लस चीज़ें भी ठीक से हो नहीं रही हैं। भाई साहब लेट आ रहे हैं, मैं लेट उठ रहा हूँ, सुबह 6 बजे सोए जा रहे हैं, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, जो कलर पसंद आ रहा है वो कलर का साइज़ नहीं मिल रहा है, टी शर्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, फलाना ढिमकाना। ए ऊपर वाले सुन थोड़ी, उठा ले इसको इसको, हमारे को नहीं मुसीबतों को उठा ले, खुशियां लेके आ जाए अपनी जिंदगी में। यार इरिटेट हो गया, पैर दुखने लग गया यार, इतने इरिटेट हो गया कि आज प्लान था विशाखा का व्लॉग करने का, विशाखा प्लान था लड़की का व्लॉग करने का, लड़की व्लॉग नहीं कर पाई आज इरिटेट होने की वजह से, बहुत इरिटेट बोल नहीं रही। हम शॉपिंग नहीं किया हमने, ऊपर से इतना टाइम वेस्ट किया, ऊपर से लिया तो भी और हम लोग जोक्स पे जोक्स मारा जा रहा है, ये हंस भी नहीं रही है यार, ये क्या फाड़ू जोक मारा है, मैं बताऊं क्या, बता दूं क्या, बता बता ठीक है मुझे सुन लो, इसने सुनाया था। एक आदमी की बीवी गुम जाती है तो वो रिपोर्ट लिखाने जाता है, तो रिपोर्ट लिखाने लगता तो आदमी कहता है कि भाई साहब ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस है, ओकरा समझ भी नहीं आ रहा खुशी में कहाँ जा रहा है। लेकिन ठीक है यार, गुस्सा आता है तो ठंडा भी हो जाता है उतना जल्दी। वैसे अभी चिल कर रहे हैं, अभी माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा है, हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, समंदर किनारे बैठे हुए हैं लोग हैं, वहाँ पर पुलिस वाले सब देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अपन क्या एकदम बिंदास सबके सामने एकदम अपन चालू रहता है। आ रहे इधर ही आ रहे क्या? नहीं कोई नहीं आ रहा। पुलिस वाले आज भी नहीं। कोई कोड वोड तो नहीं चाहिए आपको? बाय बाय, निकलो अच्छी जगह देख के निकलो। बाय 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 बाय। चलो चलो रोड क्रॉस कर लेते हैं। खबर के मुताबिक थैंक यू, खबर के मुताबिक ये पता चला है कि दिस इज अंबानीज हाउस, अंबानी की बेटी का जो शादी हुआ है, हाँ वो उसके लिए ये घर बनवाया गया, और कुछ अराउंड 500 करोड़ रुपए। मैं अभी मुझे पता चला, और यहाँ पर लाइन से इतनी गाड़ी है मतलब पुलिस सारे की पुलिस की गाड़ी, और भी स्पेशल कस्टमाइज पुलिस की गाड़ी, फुल आर्मी वाले लोग, आर्मी वाले लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडीगार्ड्स। पर एक बात बताऊंगा, इतना कुछ रख लिया उन्होंने पर सलीम और सत्य जैसी पर्सनैलिटी नहीं ले पाए। यहाँ पर आने से पहले इरिटेट था, बॉडी पेन कर रहा था, सर दर्द दे रहा था, पांव दर्द दे रहा था, सारा निकल गया मेरा तो यार, मैं मोटी हूं। 500 करोड़ में निकल ही जाए। निकल गया मेरा यार, रूह निकल जाती है यार, दर्द की बात कर रहे हो आप, मोटिवेट कर दिया यार, वेरी गुड। चलो बस बढ़िया है, बढ़िया। बता सत्या क्या हो गया बता, इसके घर पे ना एक वो दिखाइयो एक बार शफीक, वो दियो इधर लेके आना बाहर, पूरी स्टोरेज लोग ना पुराने घर से अभी तक किया है, ये सांप मेरे घर में पड़ा रहता है। मैं बताता हूँ, ये सांप ना ये हर बार इससे मेरे को डराता है, और डराता कैसे, ऐसे पहले फेंकेगा फिर और आदमी इससे डरे ना डरे वो कीड़े पड़े तेरे को तेरे मुंह में राख, चूल्हे में जाए तेरी जान। मेरे घर में जो भी नया आता है पहली बार कदम रखता है तो स्वागत ये सांप करता है, और ये हमेशा कहीं ना कहीं रहता है, इसको मैं कोने में रखता हूँ जा। और लोगों को डराने का सही तरीका ये है कि पहले खुद डर जाओ। देखो जी, प्लान था कुछ गर्म कपड़े लेने का, और एक यू नो छोटा सा मेरे पास जो रक्सैक बैग है वो 90 लीटर का है, थोड़ा सा कम लीटर वाला बैग मुझे लेना था, कुछ नहीं मिला, जो मिला वो ये है, एक
थर्मल जो कि लद्दाख में काम आएगा, ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड ये एक रनिंग सॉक्स, ट्रेकिंग एंड हाइकिंग सॉक्स, मतलब इसमें यहाँ पर कुछ कुशन जैसा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, स्पेशली इसको हाइकिंग के लिए बनाया गया है। एंड देन एक शॉर्ट्स जो कि मुझे घर पर पहनना है। That's it. एक बात है जो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट अगर वो हो गया तो इस आने वाले ट्रिप में सोने पे सुहागा हो जाएगा। बस उस चीज के लिए दुआ कीजिएगा और वो हो जाए तो फिर मतलब सोने पे सुहागा और सुहागा पे सोना दोनों हो जाएगा, ठीक है भैया। मतलब बस कुछ दिन और उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले, लिव लाइफ, लिव ट्री। बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज। आज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। Boom. वेरी गुड। हाँ अभी इसका मैं खो गया हूँ, रुक जा भाई। अरे अली भाई, अरे गलती से लग गया भैया। आज आजकल पता नहीं चल रहा ना कहाँ पर क्या कर रहे हैं। खुशी में पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहा हूँ।